हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोज़ाना। IRCTC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में बहुत सारा चेंजिंग कर दिया है तो मैं आपको उस नए साइट से बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने ट्रेन का सीट कन्फर्म हुआ है या नहीं, PNR नंबर से कैसे चेक करेंगे कि आपके जो टिकट है आप बुक किए हुए हैं तो आपका जो टिकट वेटिंग में है या कन्फर्म हुआ है या क्या स्थिति है उसको कैसे चेक करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से दिखाने वाला हूं कि कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका जो टिकट है कन्फर्म हुआ है या नहीं। अगर आप मोबाइल फ़ोन में यूज कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और उसमें आप टाइपिंग करेंगे IRCTC.co.in। देखिए आ गया है IRCTC.co.in, आपको इस तरीके से इस पर इंटर करना है। जैसे इंटर कीजिएगा तो आपके सामने ये IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट ये ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि IRCTC ने काफ़ी यहाँ पर चेंजिंग कर दिया है तो आप PNR नंबर से कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका टिकट है जो कन्फर्म हुआ है या नहीं। तो देख रहे हैं कि ये नई साइट है तो मैं आपको इसी साइट पे दिखाने वाला हूं कि आपका टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले यहां देख रहे हैं कि PNR स्टेटस यहां पे है और यहां पे चार्ट वैकेंसी का ऑप्शन है। जो भी टिकट कन्फर्म होता है तो ट्रेन जो चालू होता है तो स्टेशन पर चार्ट लगता है, वो भी आप यहाँ से उस चार्ट को देख सकते हैं या आप यहाँ से अपना PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटर PNR नंबर, आपका जो भी PNR नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना। चलिए हम यहाँ पे PNR नंबर टाइपिंग कर देते हैं। हम अपना PNR नंबर डाल दिए हैं, डालने के बाद आपको यहाँ पर सिर्फ सबमिट वाले पर ओके कर देना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 747 प्लस 40 ये टोटल को जोड़ के आपको इसमें ऐड कर देना है। इस तरीके से आपको इसमें जोड़ के डाल देना है, इसका यहाँ पे सबमिट वाले पर ओके कर देना है। जैसे यहाँ पे अगर आप सबमिट वाले पर ओके करते हैं, यहाँ पर देखिए कि आपका जो PNR नंबर है वो आपके यहाँ पे शो कर देता है। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपका ट्रेन नंबर आ गया, ट्रेन नाम आ गया, यहाँ पे बोर्डिंग डेट कहाँ से बोर्डिंग हुआ है, कब जाएगा ये पैसेंजर, तो यहाँ पर इसका डेट शो कर रहा है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो शो कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं रिजर्वेशन अप टू कहाँ दिल्ली ये जा रहा है, बोर्डिंग पॉइंट देख रहे हैं कि कहाँ है, क्लास 2S है। इसी तरह से यहाँ पैसेंजर का नाम आ जाता है, सीरियल नंबर देखें पैसेंजर 1 है तो 1 आ गया, यहाँ बोर्डिंग स्टेटस आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका बोर्डिंग स्टेटस यहाँ पर कन्फर्म है, ये टिकट कन्फर्म है, मतलब कन्फर्म है टिकट D2 में है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 42 सीट नंबर है, ये साइड विंडो साइड है और जनरल में है, ठीक है, विंडो साइड जनरल में आ जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट स्टेटस यहाँ पे देख रहे हैं कि कन्फर्म है, मतलब जो है ये जो है PNR नंबर से मैंने आपको दिखाया ये टिकट कन्फर्म है तो करंट स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल फेयर 350 रुपया है और यहाँ पे चार्ट नोट प्रीपेड है, इसलिए चार्ट नोट प्रीपेड है क्योंकि ये 31/1/2021 को ट्रेन है, इसीलिए ये चार्ट नोट प्रीपेड है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ट्रेन कौन कौन से स्टेशन से होते हुए जाती है तो गेट शेड्यूल पर क्लिक करेंगे आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका डिटेल भी यहाँ पे शो कर रहा है, RAC का फुल फॉर्म क्या होता है, वेटिंग का फुल फॉर्म क्या होता है, कन्फर्म का फुल फॉर्म क्या होता है, कैंसिल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका डिटेल आपको इस साइड में मिल जाता है। ट्रेन कौन कौन से स्टेशन से होकर जाती है इस पर चेक कर सकते हैं और ट्रेन रनिंग स्टेटस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए मैं इसको कुछ हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। गेट शेड्यूल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रेन जो इतने स्टेशन से होते हुए यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगी, यहाँ दिल्ली जाएगी और 3:40 पर पहुँचाएगी और यहाँ से जो है ट्रेन का जाने का टाइम है यहाँ पर आप देख लीजिए 17:20 मतलब 5:20 में ट्रेन ये खुलेगी। तो इस तरीके से ट्रेन का रनिंग ट्रेन रूट भी देख सकते हैं कि ट्रेन जो है कौन कौन से रूट से होते हुए ये दिल्ली जाएगी। सो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं PNR नंबर से कि आपका जो टिकट है कन्फर्म हुआ है या नहीं। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हम नए साइट में ये सर्च करके देखेंगे कि PNR नंबर से मेरा टिकट कन्फर्म हुआ है या वेटिंग लिस्ट में। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में रहेगा तो यहाँ पे आपका WL लिखा रहेगा, कन्फर्म नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पे बुकिंग स्टेटस में भी आप यहाँ पे आपका अगर वेटिंग में रहेगा तो WL करके लिखा रहेगा, कितना रहेगा इस साइड में आपका WL और इस साइड में लिखा रहेगा, तो ये कन्फर्म है, इसीलिए यहाँ पर आपका पूरा डिटेल शो कर रहा है। सो गाइस, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि
PNR नंबर से किस तरीके से हम अपने टिकट को देखेंगे कि कंफर्म हुआ है या नहीं। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप में अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस तरह मेरे चैनल पे बने रहिए।